हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम तीन स्टॉक से रिलेटेड बातें करने वाले हैं जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है। तीन से चार स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे, थंबनेल में आप देख चुके हैं, उन्हीं से रिलेटेड बातें करेंगे। और ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक अभी बता रही जा रहे हैं, इससे पहले भी यहाँ पर स्टॉक्स बताए थे जब वो नीचे थे, और आज की डेट में कोई 10% कोई 20% इस तरीके से भागता हुआ दिखाई दिया है। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उन स्टॉक से रिलेटेड और टारगेट से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि उन स्टॉक्स में रिस्क है बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर भी है। और पूरे आपको पैसे को अगर बढ़ाना है तो पैसे ऐसे ही स्टॉक्स में ज्यादा बढ़ेंगे। आप सोचेंगे इन्फोसिस और HUL इस तरीके के रिटर्न देगा, तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, वो थोड़े से रिटर्न ही दे पाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, बट बिफोर दैट आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर जो कि आपका चैनल है इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे, एज वेल एज इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के रिलेटेड भी जान लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि ये स्टॉक्स भी आज नहीं भागे हैं बट कल की डेट में भागते हुए नजर आ सकते हैं, परसों की डेट में, तो कभी भी भागेंगे और अच्छे खासे रिटर्न देंगे। प्ले लिस्ट को गो थ्रू करें, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है, जितना हो सके सीखना है और हमसे कॉन्टैक्ट करना है, हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है। दिस इज द पर्टिकुलर नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम चार स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे एक एक करके, ओके, उसके फंडामेंटल्स भी धीरे धीरे आपको बताऊंगा और स्टॉक से रिलेटेड हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टॉक से रिलेटेड बातें करूं तो यहाँ पर पहला स्टॉक आता है ओगर शुगर। ओगर शुगर की हम अगर बात करें तो कितने रुपए का ये शेयर है, यहाँ पर हम देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए 41 रुपए का ये शेयर है और आज ये 20% क्यों भागा है, आज देखेंगे आप तो ये 20% भागता हुआ दिखाई दिया है। तो देखिए यहाँ पर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको जब भी जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट आते हैं, ओके, यहाँ पर अगर आप जाएंगे BSE रिजल्ट कैलेंडर तो यहाँ डालेंगे ना, तो यहाँ पर रिजल्ट कैलेंडर आएगा और जितने भी ये कंपनी के नंबर आते हैं ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप इनको नंबर को पढ़ेंगे तो याद रखिए अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा, फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, बट आपको स्टडी करनी पड़ेगी, स्टॉक देखना पड़ेगा, आपको उनके फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, आपको उनके चार्ट पैटर्न देखना पड़ेगा। लंबा काम है, ओके, काफी टाइम जाता है, 3-4 घंटे जाते हैं अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं तब, और डीपली स्टडी करेंगे तो फिर ये सालों के साल गुजर जाएंगे इसमें। तो आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए आज 20% भागता हुआ दिखाई दिया है। तो क्यों 20% भागा है, उसके पीछे का रीजन है सिंपल, यहाँ पर इसके रिजल्ट, ओके, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए, और कंपनी की अगर आप यहाँ पर रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सेल्स, हाईएस्ट एवर सेल्स, और प्रॉफिट देखेंगे जो एक लास्ट क्वार्टर में घाटे में थी, यहाँ पर अभी 51 करोड़ के प्रॉफिट, एज वेल एज ईयरली बेसिस भी 33 से 51%। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे OPM मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो देखिए 19 से 22 हुआ और 3 से 22%। तो इस वजह से ये शेयर आज की डेट में अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई दिया, स्टैंड अलोन मैंने नंबर बताए थे। एज वेल एज इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी यहाँ पर FIs ने भी एंट्री लेना शुरू कर दिया 0.03%, धीरे धीरे शायद आ रहे FIs भी। पब्लिक की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं पब्लिक भी आती हुई यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये पर्टिकुलर शेयर की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं शुगर एज वेल एज एथेनॉल का यहाँ पर मिक्सचर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन में कंपनी काम करती है। तो यहाँ पर जितनी भी शुगर कंपनी है वो भागती हुई नजर आएगी, बट हर कोई भागेगी नहीं क्योंकि बहुत सारी शुगर कंपनी के रिजल्ट भी बेकार आए हैं, मैंने देखे उनमें भी रैली हो रही है, उनमें इन्वेस्ट मत करो, उनमें इन्वेस्ट करो जहाँ पर पैसा बनेगा, ओके, अभी इन्वेस्ट करना चाहिए यानी उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया सीधे 20%, तो शायद कल दोबारा 20% का यहाँ पर अपर सर्किट लग सकता है। तो आपको बिल्कुल भी एग्रेसिव और एक्साइटेड नहीं होना, सबसे पहली बात, आपको सिंपली पेशेंटली यहाँ पर वेट करना है, शेयर के नीचे आने का वेट करना है, ओके, जब ये शेयर 30 रुपए के आसपास 34 रुपए के आसपास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे, ओके, जो कि 6-7 रुपए नीचे है, तब यहाँ पर इसमें धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स करनी है स्टडी, और यहाँ पर देखा जाए फिर उसके बाद ये शेयर भागता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इसके यहाँ पर जो एक कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा था उसके यहाँ पर टारगेट अचीव हो गए, बट यहाँ पर नीचे आएगा, नीचे आके जब फिर भागेगा फिर एक अच्छी खासी रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। अभी कूदिएगा मत लंका में, ओके, आप हनुमान नहीं है, आप लंका को जला के नहीं खुद जल के आ जाएंगे वरना। तो यहाँ पर एक ये स्टॉक हो गया, इसके अलावा दूसरे स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे, वो भी शुगर स्टॉक है और उससे रिलेटेड भी मैंने यहाँ पर बहुत टाइम पहले यहाँ पर वीडियो डाली थी, यहाँ पर आप जाएंगे हमारे चैनल पे तो आपको पता चल जाएगी, या फिर यहाँ पर यूट्यूब पे भी आप डालेंगे सर्च इंजन में तो आपको यहाँ पर डालेंगे विश्वराज शुगर और इन्वेस्ट फॉर एवर आगे डाल देंगे तो आपको वो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी, देखिए ये शेयर कितना परसेंट भागा है आज, ये शेयर यहाँ पर 8.64% भागा है, बट
यहाँ पर ये शेयर और ज्यादा यहाँ पर भागने की काबिलियत रखता भी है और भागेगा भी। आज के वॉल्यूम देखेंगे ना तो आज के वॉल्यूम में 2 करोड़, लगभग 3 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम यहाँ पर नजर आते हैं। 21 करोड़ के 2 करोड़ 10 लाख या 21 करोड़ के 2 करोड़ के आसपास के इसके आज के वॉल्यूम है, अच्छे खासे वॉल्यूम है। शेयर काफी नीचे आ गया था। ओके, यहाँ पर मैंने अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स है दोबारा मैंने उन्हें बाइंग ऑन डिप्स करने की यहाँ पर सलाह दी थी बाई करने, और मैंने भी आज आज की डेट में जब ये शेयर नीचे चल रहा था 21 रुपये 45 पैसे पे, यहाँ पर मैंने भी बाइंग किया है दोबारा, और यहाँ पर देखे आज की डेट में अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आया। और ये रैली अभी नहीं रुकने वाली, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अगर ये लेवल यहाँ पर टूटा है इसका 2460 रुपये 60 पैसे का, तो एक अच्छी खासी रैली होगी जो इसे 2700 रुपये और उसके बाद 2900 रुपये तक लेके जाएगी। और इसका मतलब है आपके जो 50% तक के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आए, 33% 33 रुपये तक तो ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पर रुक नहीं रहा है सीधे ये शेयर। यहाँ पर एक इसने राउंडिंग अप बना के नीचे आया था, और इसके बाद जब इस तरीके के जब चार्ट पैटर्न बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, जब इस तरीके का कभी भी चार्ट पैटर्न बनता है और नंबर जब सपोर्ट कर देते हैं, जब चीजें नीचे जाती है, तो फिर उसके बाद जब भी ये शेयर भागता है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ ही भागता है, याद रखिएगा, नीचे नहीं जाता, तब अच्छे खासे रिटर्न मिलते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर अच्छा खासा ऑलरेडी भाग लिया है, बट अभी भी देर नहीं हुई है। अगर ये शेयर थोड़ा सा गिरता है भाग, तो यहाँ पर आप 90% के रिटर्न अभी भी यहाँ पर कमा सकते हैं। 45 का टारगेट इजिली अचीव होगा, क्योंकि ऑपरेटर जब भागना शुरू करते हैं ऐसे स्टॉक्स को भगाते हैं। और इस शेयर को बताने के पीछे क्या क्या वजह थी वो भी यहाँ बात कर लेते हैं। तो देखिए 449 करोड़ रुपीज का यहाँ पर मार्केट कैप है। इसके अलावा प्लेजिंग, कोई प्लेजिंग नहीं। डेट की बात करें, शेयर के ऊपर थोड़ा सा डेट है, बट यहाँ पर P18 के PE पे यहाँ पर चल रहा है शेयर। ओके, 2 का फेस वैल्यू है। और इसके अलावा यहाँ पर कंपनी के नंबर्स देखेंगे ना, कंपनी के जो नंबर्स है यहाँ पर हाईएस्ट एवर सेल्स नंबर की बात करें, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट तो नहीं हुआ ईयरली बेसिस पर, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा शेयर नीचे आता हुआ दिखाई दिया था, 52% से 33% यहाँ पर OPM आया था। इस वजह से शेयर अभी तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, थोड़ा बहुत नीचे जा रहा था मुझे पता थी, बट इसका एक लेवल था यहाँ तक नीचे जाता वो उसके लिए हम रेडी थे। बट यहाँ पर अगर देखें क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर अच्छा खासा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया था, और फिर शुगर की रैली। ओके, ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स, और कंपनी के नंबर भी अच्छे खासे थे, और यहाँ पर FIs भी है, DIs भी है, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर नजर आता है। जब ऐसी ऐसा चार्ट पैटर्न सॉरी जब इस तरीके का चार्ट पैटर्न, इस तरीके का सपोर्ट, एज वेल एज इस तरीके के नंबर, और FIs, DIs और प्रोमोटर्स के पास अच्छे खासे शेयर, जब ये सब चीज मिक्स हो जाती है ना, तो यहाँ पर ऐसे कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? तो इस शेयर की तरफ भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, ये शेयर भी अभी भी ले सकते हैं, बट बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइएगा, इस चीज को याद रखिएगा, और टाइम ना पड़ेगा, टाइम देंगे इजीली 50% तक के तो रिटर्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं एक और पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, यहाँ पर देखेंगे, बहुत बार यहाँ पर 2-3 बार मैंने इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है। आज 20% ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। रीजन क्या था? रीजन कुछ नहीं था, कंपनी काफी बेहतरीन है, इसके नंबर काफी बेहतरीन है। ओके, और जब नंबर अच्छे हो, और कंपनी जब ये शेयर यहाँ पर बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर लिया है और बार बार नीचे आके यहाँ पर इस लेवल पर अटक रहा है, तो यहाँ पर शेयर को ऊपर जाना ही है। अगेन यहाँ पर डालिएगा इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्ट फॉरएवर, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। बाकी आई बटन जो मिलेगी तो आई बटन पर यहाँ पर दोनों की लिंक दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगी कि हाँ ये शेयर पहले पहले भी बताया, अगेन बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये शेयर में काफी पोटेंशियल है। अगेन स्मॉल कैप कंपनी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट की मत सोचिएगा कि हाँ करोड़पति आप एक साथ ही बन जाओ, ऐसे नहीं होता। अपने टारगेट फिक्स करके रखो, एक अमाउंट वो यहाँ पर लगाओ और इस तरीके से अमाउंट लगाओ, पैसा बनेगा। डेट फ्री कंपनी सबसे पहले पॉइंट। इसके अलावा कंपनी स्टॉक्स 37 रुपए से यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था। यहाँ पर जो नंबर थे वो हाईएस्ट एवर नंबर थे, बट एक्सपेंसेस की वजह से नेगेटिव थे, बट ऑपरेटिंग यहाँ अदर इनकम यहाँ पर कंपनी की अच्छी हुई थी, तो ईयरली और क्वार्टरली बेस में यहाँ पर कंपनी के नंबर यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखाई दिए थे। और यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी करती है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड ही ये सारे काम करती हुई दिखाई देती है, और ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे यहाँ पर सुधरता हुआ नजर आ रहा था। और यहाँ पर ऐसे शेयर को फिर ऑपरेटर यहाँ पर भगाती है, तो ऑपरेटर को भी हमें समझना चाहिए ऑपरेटर कहाँ पर हमें आते हुए दिखाई देंगे, और इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो अच्छा कैसा पैसा फिर आपका बनता हुआ ही दिखाई देगा, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। और कंसोलिडेशन हो गया था और एक लेवल पर बार बार आके अटक रहा था, मैं इसके यहाँ पर 2100 रुपए तक के लिए तैयार था कि हाँ यहाँ पर आएगा ही आएगा, तो यहाँ से ये भागना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कल परसों की यहाँ पर 3600 रुपए पे आ जाएगा। ओके, आपका टारगेट पूरा हो गया, बट ये टारगेट यहाँ पर खत्म नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न बनने को तैयार हो रहा है, और इस कप विद हैंडल पैटर्न को अगर ये वाला लेवल इसने अगर निकाला 3700 रुपए का, तो एक अच्छी खासी रैली होगी। अगर कोई टाइम दे सकेगा तो याद रखिए ये यहाँ पर 69-70 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई
देगा, बट उससे पहले ये काफी बार नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही ऊपर चीजें भागेगी। ओके, ऑपरेटर भगाना चाहे तो कहीं भी भगा सकते हैं, बट नहीं भगाना चाहे तो यहाँ पर रुकता हुआ नजर आता है। तो इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी आपको नजर रखनी है। तो ये तीन शेयर यहाँ पर काफी बेहतरीन यहाँ पर नजर आते हैं, इन शेयर की तरफ आपको नजर रखनी है। सारे के सारे शेयर अच्छे खासे पैसे आपके बनाते हुए दिखाई देंगे, और यहाँ पर जितना चाहे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारी फाइनेंशियल सर्विस का लाभ उठाना है तो ये पर्टिकुलर नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके के और भी शेयर यहाँ पर आपको यहाँ पर चाहिए हम तो, हाँ, और ऐसी सर्विस चाहिए कि हाँ आपके पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आए, आपको घाटा ना हो, अच्छे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये पर्टिकुलर नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।